एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। तो हम यहाँ बात करते हैं शॉपिंग की, मेकअप की, स्किन रूटीन की, डेली व्लॉग्स की, कुकिंग की। और आज मैं क्या लेकर आई हूँ आपके लिए, जी हाँ, आज मेरी जो है एक शॉपिंग है, लेकिन एक ऐसी बेहतरीन चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी जिसके लिए जो है मैंने बहुत सुना भी और पढ़ा भी। क्योंकि मैं जब तक कोई चीज़ अगर मैं ख़रीदती हूँ, शॉपिंग करती हूँ और अपने व्यूअर्स के पास लेकर आती हूँ उस चीज़ के बारे में, अगर मैंने वो शॉपिंग भी किया, उस शॉपिंग के बारे में भी अगर मैं व्यूअर्स को बताती हूँ, अपनी इस वीडियो में लेके आती हूँ, अगर वीडियो बनाती हूँ, तो जब तक उस चीज़ के बारे में मुझे खुद में पता नहीं होता, खुद में भरोसा नहीं होता, खुद उसके बारे में जान नहीं लेती, तब तक मैं कोई भी वीडियो जो है वो नहीं बनाती हूँ। चाहे मेरी वीडियोस लेट हो जाएं, अगर आप मेरी वीडियो नहीं आती है तो दैट्स मीन मैं किसी चीज़ के बारे में जो है वीडियो बनाने के बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि ऐसे ही कोई चीज़ मैं अपने दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा मतलब मेरे अंदर से नहीं आता ये चीज़। तो आज मैं जो बात कर लेते हैं इस वीडियो में, जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, वो है एक ऐसा प्रोडक्ट, फेंगशुई प्रोडक्ट मैं बात करूँगी। तो ज़्यादा घुमा फिरा के जो है मैं बात नहीं करूँगी। तो फेंगशुई जो है उसके बारे में आप सभी को पता है और बहुत सारी वीडियोस भी बनी है इसके बारे में। तो बात करूँ मैं अगर प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं आज इस प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ, ये है लोटस क्रिस्टल। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो है लोटस क्रिस्टल है, मैं आपको पास से भी दिखा दूंगी। तो ये इस तरीके से जो है घूमता है। तो ये जो है, ये क्रिस्टल जो है मैंने अमेज़ॉन से जो है वो ऑर्डर किया था, और ये बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल है। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि ये हम रख कहाँ सकते, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो है हम साउथ वेस्ट में जो है वो रख सकते हैं, और वहाँ रख सकते हैं जहाँ पे हम सोते हैं, यानी कि स्लीपिंग रूम में भी रख सकते हैं, अपने पार्लर में भी रख सकते हैं, मतलब कहते हैं कि मंदिर में भी रख सकते हैं। मैंने इसके बारे में सुना है कि जो है ये लोटस क्रिस्टल मुझे देख के ही बहुत ही अच्छा लगता है इसको। तो इसको जो है ये जो लोटस, सबको पता है कि माता लक्ष्मी जो है लोटस जो है उनसे रिलेटेड है। तो वो जो है ये मनी को अट्रैक्ट करता है ये क्रिस्टल जो है। आप अपने जहाँ पे आप वर्क करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस वुमेन हैं, यानी कि पार्लर है, अगर आपका सैलून है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं वहाँ उस जगह भी रख सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, इवन आप जहाँ स्लीपिंग रूम में भी रख सकते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिविटी लेके आता है आपके, ये प्योरिटी लेके आता है, ये नॉलेज लेके आता है आपके घर में। तो ये मनी को अट्रैक्ट करता है। अगर आपका पैसा, जो जितना मैंने इसके बारे में सुना, जितना मैंने नॉलेज गेन किया, तो उसके हिसाब से जो है अगर आपकी मनी कहीं फंसी हुई है, तो ये जो है आप इस क्रिस्टल को जो है आप अपने घर में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट इसका जो मतलब आपको पोजीशन है, यानी कि इसका लोकेशन जो है वो साउथ वेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट से जो है ये वर्क करता है। यानी कि मुझे ज़्यादा फेंगशुई मतलब इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्रिस्टल ज़रूर चाहिए था अपने घर में, जो पॉजिटिविटी लेके आए, जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि क्लैरिटी नहीं आ पाती, पॉजिटिविटी नहीं होती है, नेगेटिविटी होती है, कई बार झगड़े होते हैं, पीस नहीं होता है, मोहब्बत नहीं होती है, लव रोमांस की कमी होती है। तो ये जो है लव रोमांस का भी सिंबल है। अगर आपके घर में जो है लव की कमी है, रोमांस की कमी है, पीस की कमी है, प्योरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, नॉलेज की कमी हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो भी आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि ये कि ये गेन करता है नॉलेज, ये गेन करता है प्योरिटी, क्लैरिटी, तो हर चीज़ को। और मैंने सुना है कि इसको जब आपकी मनी आती है, यानी कि आपका जब जिसे बोलते हैं सैलरी आती है, तो आप इसके ऊपर 2 या 5 मिनट रख सकते हैं। उसके बाद जो है उसको उठा के कहीं भी, मतलब जब जहाँ भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो ये जो है इसको जो है अपने साउथ वेस्ट में रखिए, और अपने घर में जो है प्योरिटी, क्लैरिटी, नॉलेज, लव, रोमांस जो है उसको लाइए, नेगेटिविटी को भगाइए। क्योंकि नेगेटिविटी जो एक चीज़ है,
इसको मैं यहाँ रख देती हूँ क्योंकि पर मैं मतलब मुझे दिखा के बहुत, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी इसको। मैंने इस तरीके की जो है प्लेट है, हमारे पास ये ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो हमने इस प्लेट पे जो है इसको रखा है, और मतलब ये सेफ साइड जो है इसके ऊपर रखा है, और जब ये घूमता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप अच्छे तरीके से जो है अपने साउथ वेस्ट में किसी भी जगह पे रख दें। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अब बात करते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। पॉजिटिविटी की अगर हम बात करें, मैं इसको ज़रूर आपको पास से दिखाऊंगी क्योंकि मैं भी चाहती हूँ, मैं इस बात से पहले जो है इसको पास से दिखा दूंगी। बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, जो मैं पहले भी कह रही थी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हम नेगेटिविटी इसके लिए भी जो है मैं एक या तो चैनल ओपन कर दूंगी, या तो फिर मैं इस वीडियो पे तो थोड़ा बहुत बोलूँगी, या फिर ऐसी कोई वीडियोस भी लेकर आऊँगी। मैं बात करूँगी पॉजिटिविटी की। पॉजिटिविटी क्यों ज़रूरी होती है? आप पॉजिटिव क्यों, आपका पॉजिटिव रहना ज़रूरी होता है? पॉजिटिव हमारा रहना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पॉजिटिव अगर हम खुद रहते हैं तो हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं, अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि आपने ये लॉ जो है वो सुना होगा कि आप यूनिवर्स को जो देते हैं यूनिवर्स रिटर्न में आपको वो देता है। अगर हम पॉजिटिविटी देंगे, पॉजिटिविटी यानी कि पॉजिटिव वाइब्स देंगे, पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, तो हमारे पास जो है एफर्मेशंस के बाद जो हमारा रिप्लाई यानी कि यूनिवर्स जो हमें देगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं तो आप जो है नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स ही जो है आपको बदले में मिलेंगी। तो अगर आप चाहें आप ये करके देख सकते हैं, इसके बारे में खैर बहुत सारी वीडियोस भी हुई हैं, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है ये शेयर करूँ, चाहे मैं डिफरेंट चैनल बना के करूँ, चाहे मैं डिफरेंट जो है वीडियोस पे बात करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी चैनल पे इसकी बात करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ जो है मैं डिफरेंट चैनल बनाऊँगी और उस पर जो है मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करेंगे और किस तरीके से जो है अपनी लाइफ को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। कहते हैं थिंक पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, तो इसलिए जो है आप भी पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव अट्रैक्ट करें। अब बात करते हैं हम इस अगेन इस जो है ब्यूटीफुल क्रिस्टल की, लोटस क्रिस्टल की। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी इसका, जो है मैंने ये अमेजोन से लिया था और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, अपने घर में ज़रूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में भी पॉजिटिविटी लाना, क्लैरिटी, प्योरिटी, नॉलेज जो है लाना, मनी लाना, अट्रैक्ट करना, और लव पीस अपने घर में, रोमांस लाना, तो प्लीज़ प्लीज़ इसको ज़रूर रखिएगा, जैसे कि मैंने भी ये अपने घर में रख लिया है। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं लेकर आऊँ आपके लिए कुछ ऐसी ही वीडियोज़ हर रोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, बाय बाय।